नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं यशवंत नगर टाउनशिप में, विरार की है यशवंत नगर टाउनशिप। यहाँ अमेया क्लब, जो वसई विरार का एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अमेया क्लब यहाँ खड़े हैं। आज अमेया क्लब के इस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था अमेया क्लब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आने वाले 19 फरवरी को, आने वाले अगले रविवार को एक वीरा रन 2023 का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। पिछले 2 साल कोरोना को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले 9-10 सालों से लगातार ये वीरा रन, जो कि विराट रन के नाम से की जाती थी, वो इस साल वीरा रन के नाम से आयोजित की जा रही है, उसकी जानकारी देने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आपको बता दें, पहले के सालों में ये रन जो है 5 किलोमीटर की हुआ करती थी, इस साल इसको विस्तार किया जाकर इसको 10 किलोमीटर एक मिनी मैराथन के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों बल्कि हजारों लोग भाग लेने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन इस समय भी चालू है, जो आयोजन के 2 दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन शुरू रहेगा। गूगल फॉर्म अमेया क्लब की तरफ से एक प्रोवाइड किया जा रहा है, उस गूगल फॉर्म को भरकर जो कोई प्रतिस्पर्धक इसमें शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है। इसकी कुछ फीस भी है, लेकिन कुछ अलग अलग ग्रुप, एज ग्रुप और दिव्यांग लोगों के लिए वो फीस पूरी तरह से माफ़ की गई है, ऐसा भी आयोजककर्ताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। आपको थोड़ा सा अमेया क्लब के बारे में बताएंगे तो अमेया क्लब ये एक ऐसा स्पोर्ट्स क्लब है जो सिर्फ वसई विरार ही नहीं, देश भर में अपना नाम ऊंचा करता रहा है। अमेया क्लब से निकलने वाले 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग स्पोर्ट्स में देश भर में नाम रोशन कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में या अमेया क्लब में खेले खिलाड़ी जा चुके हैं। महिला क्रिकेट टीम में इस समय कई खिलाड़ी है, उसके अलावा दीगर कई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें भी अमेया क्लब के लोग हैं। अमेया क्लब ये पिछले 10 सालों से लगातार आयोजन करते आ रहा है और इसी आयोजन को अगले रविवार को रखा है, उसकी जानकारी इन्होंने दी गई है। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई, आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। विरार रन के बारे में ये आज की जो पत्रकार परिषद है उसके बारे में इतना कहूँगा, ये विरार रन 19 फरवरी 2023 को होने वाली है और इसका रजिस्ट्रेशन का 10 किलोमीटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 तारीख तक लास्ट है। ऑफलाइन ऑनलाइन दो जगह पे आप रजिस्टर कर सकते हो। 10 किलोमीटर की ये दौड़ है, शुरुआत इसकी अमेया क्लासिक क्लब के सर्कल से होने वाली है और समारोह भी इसका स्केटिंग ट्रैक पर होने वाला है। अब तक 1500 के ऊपर रजिस्ट्रेशन विविध रेसेस में इसमें हुआ है और 10K के 300 के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें कोई विशेष संदेश आना चाहिए? गो ग्रीन गो क्लीन, ये अपना पहले ही रेस से सामाजिक संदेश हम दे रहे हैं, लेकिन फंड रन में अलग अलग संगठनाएं, सामाजिक संस्थाएं इसमें सहभाग जो ले रही है वो नो ड्रग्स से लेके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उनके अलग अलग मैसेजेस दे रहे हैं। पहले ये सिर्फ विराट तक सीमित थी, इसको आप राजस्थान पर लेके जा रहे हो, क्या आपकी उम्मीद है? अपने यहाँ के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उनको स्टेट लेवल के रनर्स के साथ दौड़ने को मिलना चाहिए, इसके लिए हमने इस बार ये प्लेटफॉर्म बड़ा किया हुआ है। हमें स्पोर्ट्स जो है वो अलग अलग क्लब अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत आगे है, तो इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद में क्या अपने यहाँ के जो लोग प्रोत्साहन मिलता है उसकी क्या रिपोर्ट अमेया क्लब की है? अमेया क्लासिक क्लब के तरफ से अलग अलग स्पोर्ट्स में यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है और स्पर्धाएं भी ली जाती है, वार्षिक ये स्पर्धाएं रहती है और लोगों का एक अच्छा मानसिक और शारीरिक संतुलन रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये इवेंट लेते रहते हैं। कितने लोग बाहर अच्छे लेवल तक खिलाड़ी जा चुके हैं, मेरा सवाल ये है। इसके बारे में जानकारी अमेया क्लासिक क्लब की डिटेल्स हमारे ग्रीष्मा दीदी आपको मेरे से ज़्यादा दे पाएगी। थैंक यू। विरार रन 19 फरवरी को है, संडे है, नेक्स्ट संडे है और इसमें 1.5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स और ये साल हमने 10 किलोमीटर्स का इंट्रोडक्शन किया है, तो 15 फरवरी तक उसके एंट्रीज अभी तक ओपन है, तो अगर आपने एंट्री या गूगल फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो प्लीज़ पार्टिसिपेट।
आयोजन मुख्य रूप से अमेया क्लब की तरफ से किया जा रहा है। अमेया क्लब एक बहुत बड़ा नाम है और अमेया क्लब में कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स जो है उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अमेया क्लब खुद को कहाँ रखता है जब उसके पार्टिसिपेंट देश और दुनिया में अलग अलग जगह बाहर निकलते हैं? पहले तो ये रन का जो 10 किलोमीटर्स जो है वो हमारे क्लब से शुरू होने वाला है और एंड भी यहाँ पे होने वाला है, तो दैट इज़ अ वी आर अ पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा क्लब के अंदर हमारे पास 20 to 25 स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, जैसे स्विमिंग है, स्केटिंग है, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, टर्फ फुटबॉल है, लॉन टेनिस का कोर्ट है हमारे पास, अभी बैडमिंटन के कोर्ट्स बन रहे हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेबल टेनिस है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास गेम्स इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं। आपने जैसे पूछा हमारे क्लब में से जो लड़के बाहर जाते हैं तो उसका हमें बहुत प्राउड फील होता है, ऑल्सो बिकॉज हमारे पास वो एक छोटे लेवल पे या एकदम कम एज में आते हैं और हमारे जो कोचेज़ यहाँ पे हमने रखे हुए हैं वो खुद नेशनल स्टेट लेवल के होने के वजह से वो जो ट्रेनिंग देते हैं तो वो यही विजन से ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा बच्चा स्टेट या नेशनल लेवल पहुँचे। हम क्लब में से इसी प्रयत्न में लगे हुए रहते हैं कि हमारे में से वसई विरार या पालघर डिस्ट्रिक्ट में से एक तो बच्चा ओलंपिक में आगे आने वाले 4-5 सालों में जाए। इसी में लगे हुए रहते हैं हमारा क्लासिक क्लब और हमारे कोचेस। दीदी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीज़ों का जिक्र किया, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है और आपने एक चीज़ पे जोर दिया कि ऐसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाता है तो आगे जाके फ्यूचर जो है उसमें कुछ हासिल कर पाए जी, तो उसके बारे में क्या कहना? तो मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं एक एथलीट हुआ करती थी मेरे स्कूल में, हम लोग खो खो में स्टेट लेवल तक पहुँचे हैं और मैं लॉन टेनिस की प्लेयर भी रह चुकी हूँ। मैं लॉन टेनिस का भी एक लेवल तक पहुँच चुकी थी, उसके बाद स्टडीज़ की वजह से मुझे कंटिन्यू नहीं करने को हुआ, लेकिन वो जो चाह है या वो जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो अभी भी राइट नाउ ऑल्सो मेरे में है, तो इसीलिए हम लोग काफ़ी ट्राई करते हैं। आपने जैसे पूछा कि हम क्यों ऐसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं जिसमें आगे जाके करियर हो, आप सोचो अगर एक बच्चा 5 साल की उम्र से उसके आगे 25 साल अगर एक स्पोर्ट को देवे, वो उसमें XYZ पैसा खर्चा करता है, उसके माँ बाप उसमें XYZ पैसा खर्चा करते हैं या टाइम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं आजकल के माँ बाप स्पोर्ट्स में, तो उसको आगे जाके एट द एज ऑफ 25 एट द एज ऑफ 30 कुछ ना कुछ वो स्पोर्ट्स में से उसको मिले, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में से उसका करियर बने, वो कुछ आगे जाके पैसा कमाए, घर चलाए। तो ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पे हम जो प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को या यहाँ पे हम लोग वैसे स्पोर्ट्स लेते हैं जो आगे जाके बच्चे उसमें करियर कर पाए, खुद को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने भाई 20 साल ये स्पोर्ट्स में लगाए लेकिन मुझे इसमें से कुछ आता नहीं है बाद में, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ एक 30 to 35 years की ही होती है, उसके बाद वो रिटायर होते हैं, बॉडी उनकी रिटायर ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद का जो विजन है हमारा कि उसके बाद वो बच्चा 30-35 साल जो कोई स्पोर्ट्स को लेता है उसके बाद उसका करियर होना चाहिए, उसके बाद उसका घर चलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।